इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां आज होने वाले टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आयोजित यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द की गई है। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, पहली पाली में पेपर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक होना था। पेपर लीक होने की खबर सामने आने के बाद एसटीएफ ने छापेमारी की। इसके बाद गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की टीईटी की परीक्षा 28 नवंबर को 2,554 केंद्रों पर होनी थी, जिसमें पहली पाली में 12,91,628, दूसरी पाली में 8,73,553 अभ्यर्थी शामिल होने थे। पेपर लीक होने से लाखों अभ्यर्थियों के सपनों पर पानी फिरा है। सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों शिफ्टों की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। यह परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। इसमें उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। तो ये थी यूपी टेट से जुड़ी हुई मुख्य खबर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।